नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलशाद अहमद और आप देख रहे हैं बिफोर फील्ड। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के होटल मौर्या में, जहां पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो हैं सफारी यात्रा पर निकलते हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार हरियाली यात्रा पर निकलते हैं। बिहार में क्राइम, करप्शन और बलात्कार जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। बलात्कारी जो है सरकार में, वो बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं और बिहार में अपराधियों का मुख्यमंत्री सफारी में घूम रहे थे और बिहार के मुख्यमंत्री जो है हरियाली यात्रा में घूम रहे हैं। और ये आपने देखा हो जो हैदराबाद में जो घटना हुई, इसके बाद ठीक जो है बक्सर में वैसे ही हादसा हुआ, ठीक उसके अगले दिन समस्तीपुर में, और कल जो सूचना मिली मुजफ्फरपुर में, घर में घुस करके बलात्कार की कोशिश किया, नाकामयाब होने पे आग से जला दिया। तो बिहार में जो लोग कानून और शासन की जो लोग बात करते हैं, आप देखिएगा पूरी तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम है, पुलिस का भय नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री को हमने पहले भी सलाह दी, आप हरियाली यात्रा से पहले अपराध नियोजन पीछे, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे जाओ, नियोजन पीछे कीजिए, विकास का कोई काम नहीं हो रहा। और ऐसा प्रतीत हो रहा कि नीतीश कुमार जी की जो पूंजी रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ माइक नीचे करो या नहीं, यही रहेगा। नागरिक संशोधन पर जो एनआरसी बिल पेश हो रहा है, तरीके से हम लोगों का क्लियर है। माइक नीचे करो। लेकिन जो लोग कैसे नीचे इसके पक्ष में बोला करते थे, कहीं ना कहीं से आप देखिएगा एनआरसी के मुद्दे पे वो चुप खामोश। अब पार्लियामेंट में उनका क्या स्टैंड रहेगा, अभी तो पार्लियामेंट में बहस चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी को तो पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि इनका स्टैंड क्या होना चाहिए। देखिए जेडी सपोर्ट करेंगे, वॉकआउट मत करना, अमित शाह ने कहा कि वॉकआउट मत करना, हम सब जवाब देंगे। जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी जो पब्लिक से जो कमिटमेंट था, जो विचारधारा की जो राजनीति करते हैं, फिर से पलटी मारेंगे इसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कुर्सी के। ये तो कहना बिहार में बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, बिहार के लोगों में जितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का केंद्र बन गया है, शिक्षा स्वास्थ्य चौपट है, और मुख्यमंत्री जो है अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, विचार और नीति का समझौता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जनता सब देख रही है। और नीतीश कुमार जी से बिहार एकदम बेसमान। फिर मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा, आप देखते रहिए बिफोर फील्ड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।